अंबाला कैंट से सातवीं बार विधायक बनने के बाद अनिल विज के तेवर कुछ अलग से नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस हार गई है, अब अपनी हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उनके ऊपर है। वो जलाकर करते हैं या दबाकर करते हैं, जैसे भी करना हो वो करें, चुनाव तो वो हार चुके। अनिल विज वो नाम जो कि चुनाव से पहले ही हरियाणा में खूब सुर्खियों में थे, इसलिए क्योंकि वो खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे थे। सीएम पद को लेकर विज ने कहा कि अभी उनकी किसी से बात नहीं हुई है, जब पार्टी बात करेगी तब उनकी भी बात सुनेंगे और अपनी भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने पूरे चुनाव में जिम्मेदारी निभाई है, सभी चित्त हो गए थे, मैंने ही मोरल बूस्ट कर रखा था, मैंने हर मकाम पर यह बात की कि बीजेपी ही अपने दम पर सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल को भी मैंने ही नकारा था, जिस दिन रुझान आए उस दिन कांग्रेस का हेड ऑफिस बैंड से भरा पड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी। मैं राजनीतिक पंडित हूं, जनता की नब्ज जानता, मैंने कभी सीएम बनाने को लेकर नहीं कहा। और हां, अगर पार्टी इस पर विचार करेगी तो मैं हरियाणा को नंबर वन बनाने का काम करूंगा। एक बड़ा संदेश अनिल विज, राजनीतिक पंडित खुद को बता रहे हैं, जनता की नब्ज जानते हैं यह भी बता रहे हैं, और साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर मुझे ऑफर मिला तो मैं हरियाणा को नंबर वन बनाऊंगा। ऐसा लगता नहीं है कि नायब सिंह सैनी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। हो सकता हो हरियाणा में डिप्टी सीएम का पद भी बीजेपी को दूसरे राज्यों की तरह देना ही पड़े। अनिल विज क्या अब कैबिनेट में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्हें जिम्मेदारी मिली तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो डिप्टी सीएम का पद चाहेंगे। बहुत सारे सवाल इन दिनों हरियाणा की सियासत में अनिल विज को लेकर चल रहा है, लेकिन अनिल विज के मन में क्या है ये बस वही जानते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद सवाल यही उठ रहा है कि नई कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह मिलेगी। अनिल विज क्या कैबिनेट का कोई मंत्रालय संभालेंगे या फिर वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। सात बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपने सीएम बनने की दावेदारी चुनाव से पहले पेश कर चुके हैं। हालांकि नतीजे आने के बाद उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं सीएम बनूंगा। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को ही राज्य की कमान सौंपेगी। ऐसे में अनिल विज का क्या होगा, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या उनकी जिद से डिप्टी सीएम का पद देना पड़ेगा। मनोहर लाल सरकार में वो गृह मंत्री थे, आप सब जानते हैं राज्य के, और खट्टर के हटने के बाद उन्हें भी कैबिनेट से हटाया गया था। हालांकि उनकी फिर से हरियाणा कैबिनेट में वापसी होगी ये तय बताया जा रहा है। अनिल विज हरियाणा को अच्छी तरह से जानने वाले नेता माने जाते हैं, सात बार चुनाव जीत चुके हैं। कैंट सीट पर निर्दलीय चित्रा सरवारा से बेहद कम मार्जिन से वो इस बार के चुनाव को जीतते हुए दिखाई पड़े हैं। अंबाला कैंट उनका मजबूत गढ़ रहा है, सात बार वहां से वो जीते हैं। और अगर चित्रा सरवारा की बात करें जिससे बहुत कम मार्जिन से वो जीत कर आगे आए हैं, तो दोनों के बीच में जो जीत और हार का अंतर था वो लगभग 7,000 के आसपास के वोटों का था। अनिल विज की अंबाला कैंट से ये सातवीं जीत है, ऐसे में उन्हें बीजेपी एक बार फिर से अहम मंत्रालय सौंपेगी ये तय सी बात है। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अनिल विज जब मीडिया के सामने आए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई ये बात कहते दिखाई पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की तेजी से आगे ले जा रहे हैं देश को, ये उसकी जीत है ये भी कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी की बात कोई नहीं कर रहा था, बस हमने की। ईमानदारी से मैंने ये कहा था, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार को खत्म किया था, जिस प्रकार से हरियाणा में लूट चल रही थी हमने उसे हटाने का काम किया था। जब सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे तब मैंने कहा था कि बीजेपी आएगी। कांग्रेस ने ईवीएम पर जो सवाल उठाए थे उस पर भी अनिल विज ने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो परिणाम स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां तुम्हारे अगेंस्ट हो तो ईवीएम खराब है, जहां हक में हो तो वो ईवीएम ठीक है। स्कूल के छोटे बच्चे की तरह कांग्रेस के कैरेक्टर को वो जस्टिफाई करते हुए दिखाई पड़े, वो कहते नजर आए। अनिल विज वो नाम है जो कि हमेशा से चर्चा में रहते हैं, और खासतौर से पिछले कुछ दिनों से इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया था विधायक दल का, जब चुनाव से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को सरकार बनाने की बात कही गई, सरकार की जिम्मेदारी दी गई, हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद से अनिल विज सारे कार्यक्रमों से दूरी बना चुके थे। उन्होंने उस दिन की घोषणा के साथ ही वो मीटिंग छोड़ दी थी, आपको याद होगा हमने वो वीडियोस दिखाए थे। वो पार्टी की ओर से किए जा रहे बदलाव से नाराज नजर आ रहे थे।
हालांकि उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मेरी जो हर स्थिति है वो बीजेपी में काम करने की है, अब तक जितना किया है उससे भी ज़्यादा आगे करूँगा। अनिल विज 1953 में जन्मे थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए थे। 1970 में वो एबीवीपी के महासचिव बने। 1990 में पहली बार उपचुनाव जीतकर वो विधायक बने। 1996 और 2000 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। साल 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा और वहां से भी जीते। फिर उन्होंने साल 2014 के चुनाव में भी जीत दर्ज की। 19 में फिर वो अंबाला कैंट से जीते। मनोहर लाल सरकार में गृह मंत्री बने। इसके बाद उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी था। अभी तक वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 में जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी तो अनिल विज का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे था, लेकिन उस समय मनोहर लाल विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 2024 में भी वो खुद को सीएम की रेस का दावेदार मान रहे थे, पर एक बार फिर उनको निराशा हाथ लगी है। अब देखना यह है कि नायब कैबिनेट में उन्हें जगह मिलती है या नहीं, और अगर उन्हें जगह मिलती है तो वो उसे स्वीकारते हैं या नहीं, या फिर दूसरे बड़े राज्यों की तरह हरियाणा में भी डिप्टी सीएम का पद देकर अनिल विज को समझाया जाएगा या बैलेंस किया जाएगा। ये सब पता चलेगा तब जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।